हर साल 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है गणतंत्र दिवस, जाने इसका इतिहास और महत्व। नमस्कार, मैं खुशबू वर्मा, आप देख रहे हैं नजर टुडे। देश इस साल अपना 74वां गणतंत्र दिवस मनाने वाला है। 26 जनवरी का दिन हर भारतीय के लिए बेहद खास होता है। यह दिन भारतीय नागरिकों को लोकतांत्रिक रूप से अपनी सरकार चुनने की शक्ति को दर्शाता है। भारत के इतिहास में यह दिन कई तरह से महत्वपूर्ण है। यही वजह है कि इस दिन को पूरे देश में हर्ष उल्लास और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस राष्ट्रीय त्यौहार की अपनी अलग सियासत है, जिसके चलते लोग इसे धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? अगर आपके मन में भी यह सवाल उठ रहा है, तो हम आपको इसके बारे में बताते हैं कि गणतंत्र दिवस का इतिहास और इसका महत्व के बारे में। गणतंत्र दिवस का इतिहास, दरअसल हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पूरे देश में संविधान लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ ही भारत को पूर्ण गणराज्य घोषित किया गया था। यही वजह है कि हर साल इस खास दिन की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। साल 1947 में भारत को मिली आज़ादी के बाद इसे लोकतांत्रिक बनाने के मकसद से देश का संविधान बनाना शुरू किया गया। 2 साल 11 महीने और 18 दिन में बनकर तैयार हुए। भारत के संविधान को 26 नवंबर 1949 में देश की संविधान सभा ने स्वीकार किया। इसके बाद अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में यह संविधान लागू किया गया था। बताते हैं आपको 26 जनवरी का महत्व। 26 नवंबर को स्वीकार किए गए भारत के संविधान को लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन ही क्यों चुना गया? यह सवाल लगभग हर भारतीय के मन में आता होगा। संविधान लागू करने के लिए इस तारीख को चुनने का भी एक खास मकसद था। दरअसल 26 जनवरी 1930 को अंग्रेजों के गुलामी के खिलाफ कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया था। ऐसे में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लागू होने की इस तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए संविधान लागू करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना गया था। 1950 में इसी दिन संविधान लागू करने के साथ ही देश को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया गया और तब से लेकर अब तक हर साल 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान अंग्रेजों से मिली आज़ादी के बाद देश के लिए एक संविधान की जरूरत महसूस हुई। ऐसे में इसे बनाने के लिए एक संविधान सभा का गठन हुआ था। इस सभा ने 9 दिसंबर 1946 से संविधान बनने का काम शुरू किया। भारत की इस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि संविधान की ड्राफ्टिंग समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान को बनाने में एक अहम भूमिका निभाई थी। इसकी वजह से उन्हें संविधान निर्माता भी कहा जाता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसके बनने में पूरे 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे। इसके बाद 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को देश का संविधान सौंपा था। यही वजह है कि हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहें नजर टुडे। धन्यवाद।